हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करेंगे बिहार पुलिस के 8415 पोस्ट पर। आप सभी को पता है इसका फिजिकल समाप्त हो गया है, इसका सब कुछ हो गया, बस अब इसका मेरिट बनना बाकी है। तो मेरिट कब सीएसबीसी जारी करने वाली है ना, फिजिकल में कितने कैंडिडेट पास किए थे, है ना, कितने कैंडिडेट इस फिजिकल को क्लियर किए थे, मेल कैंडिडेट कितने थे और फीमेल कैंडिडेट कितने थे, कितने लोगों का मेरिट बनेगा, इन सभी के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मैं हूँ किशोर और आपका स्वागत है हमारे पुलिस फोर्स एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो वीडियो को शुरू करते हैं। तो अब सीधा टॉपिक पे आ जाते हैं, आपको मैं थोड़ा फिजिकल के बारे में बता दूं। बिहार पुलिस का फिजिकल 100 अंक का होता है और इसी के आधार पे आपका मेरिट बनता है। और ये 100 अंक 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। आपका 50 अंक का रनिंग होता है और 25 अंक का गोला फेंक होता है और 25 अंक का हाई जंप होता है। ये टोटल आपके 100 अंक होते हैं और इसी के आधार पर आपका मेरिट बनता है। फाइनल जो आपका मेरिट तैयार किया जाता है वो फिजिकल के ही आधार पर, इन्हीं नंबर के आधार पर आपका मेरिट तैयार किया जाता है। तो अब बात कर लेते हैं कि कितने लोग फिजिकल को क्लियर किए थे, कितने मेल थे और कितने फीमेल कैंडिडेट थे, टोटल कितने कैंडिडेट ने फिजिकल को पास कर लिया था। तो आपका सीट है 8415 पद है जो कि रिक्त है और इसी पे आपका सिलेक्शन होगा। तो मेल कैंडिडेट जो थे, जो फिजिकल को क्लियर किए थे, वो 13483 कैंडिडेट थे मेल, जिन्होंने फिजिकल को पास कर लिया था। और फीमेल की बात करें तो वो 5149 कैंडिडेट हैं जिन्होंने, फीमेल कैंडिडेट हैं जिन्होंने फिजिकल को क्लियर किया था, फिजिकल को पास कर लिया था। तो अगर टोटल देखें तो टोटल आपका जो है 18632 ऐसे कैंडिडेट हैं जिन्होंने फिजिकल को पास किया है, है ना, और इन्हीं का मेरिट बनेगा। तो आपका सीट है 8415 और फिजिकल को पास किए हैं 18632। तो अब किन किन लोगों का मेरिट यहाँ बनेगा, तो जिनका स्कोर अच्छा होगा, जिन्होंने फिजिकल में अपना परफॉर्मेंस अच्छा दिया होगा, तो उनका मेरिट यहाँ बनने वाला है। जिनका स्कोर अच्छा है फिजिकल में, है ना, जो अधिक नंबर लाएँ, जिनका स्कोर अच्छा है फिजिकल में, उसका 100% मेरिट बनेगा। तो अब बात कर लेते हैं कि मेरिट कब जारी होगा। तो देखिए, मेरिट आपका बना हुआ है, आपका जो मेरिट है वो फर्स्ट वीक, जून के फर्स्ट वीक में जारी हो जाएगा, 100% होगा, क्योंकि आपका मेरिट बना हुआ है, बस जारी करना है। देखिए, आपका मेरिट मई में भी जारी हो सकता है, 27 को हो सकता है, लेकिन अगर नहीं हो पाता है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, तो आपका जून के फर्स्ट वीक में 100% मेरिट जारी कर दिया जाएगा, है ना, क्योंकि आपका मेरिट बना हुआ है। और इसलिए इतना लेट किया जा रहा है, जो ट्रेनिंग था 11880 का, वो अभी समाप्त हुआ है ना, तो इसलिए आपको थोड़ा लेट किया जा रहा था, क्योंकि उनका पूरा क्लियर नहीं हुआ था। अब आपका ज्वाइनिंग कराते कराते उनका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना, फिर आपको ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा। तो 100% है कि आपका जून के फर्स्ट वीक में आ जाएगा, इससे पहले हो सकता है, लेकिन इससे लेट नहीं होगा, ये 100% है कि फर्स्ट वीक में ही आपका हो जाएगा, और इससे पहले भी हो सकता है, लेकिन लेट नहीं होगा, ये फिक्स है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसी तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, है ना, और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।